हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। आज के वीडियो में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप कोई भी ईमेल आईडी को दूसरे ईमेल आईडी में किस तरीके से शिफ्ट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। कभी कभी होता है कि हम ईमेल आईडी बनाते हैं तो ईमेल आईडी का नेम गलत हो जाता है, तो हम चाहते हैं कि जो भी मेरा नया ईमेल आईडी है वो उसमें मेरा पुराना वाला जो ईमेल आईडी है उसमें ट्रांसफ़र हो जाए और जो भी कोई पर्सन जैसे इमेज, वीडियो, ऑडियो या कोई भी डॉक्यूमेंट भेजता है वो पुराना वाला ईमेल आईडी में ना आके नए वाले ईमेल आईडी में आए। तो उसको अब कैसे करेंगे इसका मैं इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में कोई भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और उसमें टाइपिंग करेंगे gmail.com और इंटर करेंगे तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूज़र इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी ये होता है कि हम ईमेल आईडी बनाते हैं तो उसमें नाम गलत हो जाता है या नाम के साथ में कोई अंक डालते हैं तो वो भी गलत हो जाता है। तो आप सोचते हैं अरे मेरा तो ये गलत हो गया, तो चल सोचते हैं कि चलो कोई दूसरा नया बना लेता हूँ और पुराना वाला को मैं नए वाला में ट्रांसफ़र कर दूँगा। और आप ये भी सोचते हैं कि मेरा जो पुराना वाला है उसका जो भी मैसेज, ईमेल आईडी या कोई भी कुछ ऑप्शन कोई भेजता है हमको, सेंड करता है पुराने वाले ईमेल में, तो वो नए वाले पाए। तो उस सबको करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहले आपको जीमेल को ओपन करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे पहले वाले जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर आप क्लिक करेंगे और आपका जीमेल जो भी होगा जीमेल आईडी उसको ओपन कर लेना है। अब जैसे कि देखिए मेरा ये ईमेल आईडी ओपन हो चुका है और यहाँ मेरा जो है ये अमन कुमार के नाम से, तो मेरा ये पुराना वाला है। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो है ट्रांसफ़र होकर नए वाला में चल जाए। जैसे मेरा ये नया वाला है आरती कुमारी, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो अमन कुमार का है इसमें कोई भी जो पर्सन ईमेल मैसेज करे जैसे इमेज, वीडियो या कोई भी डॉक्यूमेंट भेजे तो हमको ये वाले ईमेल आईडी में ना आके हमको जो ये वाले जो ईमेल आईडी है या आरती कुमारी इसमें मिले। तो इसको आपको करना क्या पड़ेगा, आपको ये वाला भी ओपन करना पड़ेगा। चलिए हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। अब जैसे कि देखिए मेरा ये है अमन कुमार के नाम से ये भी ओपन हो चुका है और यहाँ आरती कुमार के नाम से ये भी मेरा ईमेल आईडी ओपन हो चुका है। तो आप चाहते हैं कि मेरा जो ईमेल है जो पुराना वाला इसमें अब मेरा कोई भी ईमेल जो वगैरह आता है तो ये अब मेरा जो इसमें ना आके मेरा जो है नया वाला आरती कुमारी इसमें आए, तो आपको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, आपको पुराने वाले पर जाना पड़ेगा। इस पर जाने के बाद आपको राइट साइड में आइएगा, यहाँ सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं कि तो आपको यहाँ पे सी ऑल सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे अब इस पर क्लिक करते हैं तो एक और आपके सामने में नया टैब ये ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए एक नया टैब या नया पेज ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है फॉरवर्डिंग एंड POP IMAP ऑप्शन का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने एक और पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर आपको मिल रहा होगा फॉरवर्डिंग, तो एड ए फॉरवर्डिंग एड्रेस, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जिस भी ईमेल आईडी में आपको पुराना वाला जो ये वाला ईमेल आईडी है आप चाहते हैं कि नया वाला ईमेल आईडी में ट्रांसफ़र हो जाए चल जाए, तो वो ईमेल आईडी को आपको इसमें टाइपिंग करना पड़ेगा। जैसे हम चाहते हैं कि मेरा जो ये पुराना वाला ईमेल आईडी है ये आरती कुमारी में चल जाए, तो हम ये आरती कुमारी की जो मेल आईडी है वो मेल आईडी हमको यहाँ पर डाल देना है। या आप जिस भी ईमेल आईडी में अपने पुराने वाले को ईमेल आईडी को भेजना चाहते हैं, जैसे मैसेज, ईमेल, वीडियो या कुछ भी कोई पर्सन भेजता है तो वो उसी ईमेल आईडी में आएगा जो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए हम जो पुराना वाला है हमें आरती कुमारी में वाला जो ईमेल आईडी है इसमें सेंड कर देता हूँ और मेरा जो ये वाला जो इतना मैसेज है सब इसी में आएगा। तो चलिए मैं ये वाला ईमेल आईडी इसमें टाइपिंग कर देता हूँ, तो मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी डाल दिया हो, डालने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर सेंड वाले पर ओके कर देना है। सेंड वाले पे ओके करते ही यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है कन्फर्म फॉरवर्डिंग एड्रेस, चलिए हम कन्फर्म कर देते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे प्रोसीड वाले पर ओके कर देना है। जैसे प्रोसीड वाले पर ओके करते हैं तो आपको जो है नया वाली ईमेल आईडी एक पे कन्फर्मेशन आपको कोड जाएगा। यहाँ पर देखिए कन्फर्मेशन कोड, आपको जो ईमेल आईडी है वो ईमेल इस ईमेल आईडी पर आपको कन्फर्मेशन कोड सेंड कर दिया गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि मेरा जो है कोड आया हुआ है नहीं, तो इसके लिए हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि जीमेल टीम की तरफ से यहाँ पर मेरे कोड आ चुका है और यहाँ पर आपका कन्फर्मेशन कोड है। इस कोड का क्या करना क्या है, कॉपी कर लेना है। इस तरीके से आप इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने का सिंपली इसी पे आना है, यहाँ पे ओके कर देना है।
ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए वेरीफाई आरती कुमारी और ये मेरा ईमेल आईडी है, तो इस आपको कोड को इसमें पेस्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले इसको डिलीट करके हटा दीजिए और जो भी कॉपी किए हैं इसको ला के इसमें पेस्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आ चुका है। अब सिंपली करना कि आपको यहाँ पे वेरीफाई वाले पे ओके कर देना है। जैसे ही वेरीफाई वाले पर क्लिक करते हैं तो ये आपका जो ईमेल आईडी, देखिए यहाँ फॉरवर्डिंग ए कॉपी इनकमिंग मेल, मतलब अब जो है आपका पुराना वाला जो भी मेल आईडी है वो नए वाले पर ट्रांसफ़र हो चुका है। अब आपका जो भी मेल या जो भी इमेज वीडियो या कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड करेगा तो वो जो है आपका नए वाले पे आएगा। और इसमें आपको कम से कम 1 मंथ का टाइम लग जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ा सर्वर है और इसमें ट्रांसफ़र करने में कुछ टाइम लग जाता है, तो इसीलिए आपको कुछ वेट करना पड़ेगा। तो ये वाला जो आपको जो भी मैसेज वगैरह जो आएगा अब जो है ये वाला जो आरती कुमारी है इस वाले पे आपका अब ईमेल वगैरह आ गया आएगा, ना कि अब इस पे अब जो है ईमेल आईडी को सेंड करेगा तो वो ईमेल आईडी इस पे ना आके डायरेक्ट आपका जो ईमेल आईडी है इस पे आएगा। तो इसी तरीके से गाइस बहुत ही आसानी से आप अपने ईमेल आईडी को, पुराने वाले ईमेल आईडी को नए वाले ईमेल आईडी में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और गाइस आप ये जो है आइकन जो बना हुआ है इस आइकन पर जाइए और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे आपको जो है डिस्प्ले नाम, तो इस पर मैं पहले वीडियो बना रखा हूँ, वो वीडियो का लिंक मैं आई बटन में डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि जो भी आपका जो मेल आईडी है उसका जो है डिस्प्ले नाम यानी यूजर नेम कैसे चेंज करेंगे। तो उस पर मैं पहले वीडियो बना रखा हूँ, वो वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के लिए इस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और आई बटन में भी डाल दूँगा, जहाँ से जाने के बाद आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो अगर गाइस मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं पर डे अपलोड करते रहता हूं और मेरे वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ नॉलेज गेन होगा।